हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर कैंपस के बारे में। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो वीआईटी के स्टूडेंट है उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका शेड्यूल कैसे होता है यहाँ आने के बाद। और हम बात करेंगे वीआईटी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। क्या जो आप लोगों ने सुना होगा कि वीआईटी बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, क्या वह सही है या नहीं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन ही हम लोग को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बात करें कैंपस की तो कैंपस तो बहुत बड़ा है, ये लगभग 372 एकड़ में फैला हुआ है। और कैंपस के बीचों बीच से रेलवे ट्रैक गुजरता है ना, जो कैंपस को दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक भाग हो जाता है बॉयज हॉस्टल एरिया और एक भाग हो जाता है एकेडमिक एरिया, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल और एकेडमिक बिल्डिंग आ जाती है। उस कैंपस में शटल भी चलती है जो जनरली 15 रुपए लेते हैं। आपको पूरे कैंपस में कहीं भी जाओगे आपको वहाँ ड्रॉप करेंगे। अब हम बात करते हैं वीआईटी स्टूडेंट्स के शेड्यूल के बारे में। तो वीआईटी में जो पहली क्लास होती है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, जो आखिरी क्लास होती है वो शाम को 7:20 तक होती है, और जो लंच टाइम है वो दोपहर 1 से 2 बजे तक होता है। और जो सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है ना, वो किसी भी वीआईटी स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल क्लास होती है अटेंड करने के लिए। जनरली एक स्टूडेंट्स को एक दिन में 3 से 4 थियरी क्लासेस और 2 से 3 लैब अटेंड करने होते हैं। और कभी कभी तो इन थियरी क्लासेस के बीच में 1 या 2 घंटे गैप भी हो जाता है, अगर हम लोग को क्लासेस नहीं मिलते हैं लगातार स्लॉट्स में तब। और इन क्लासेस के लिए हम लोग को डिफरेंट बिल्डिंग में भी जाना पड़ता है। कभी कभी तो क्या होता है, एक क्लास इस बिल्डिंग में लगी थी तो दूसरी क्लास जाके किसी दूसरे बिल्डिंग में लगी है जो दूर है, तो हम लोग के पास लगभग 10 मिनट टाइम होता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए। थियरी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो लगभग 50 मिनट की थियरी क्लास होती है, और जो लैब क्लासेस होती है वो 1 घंटा 40 मिनट का लैब होता है। जो ये 50 मिनट हम लोग को थियरी में मिला है और जो 10 मिनट बचा है ना, ये हमको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए टाइम मिलता है 10 मिनट का। इनकेस अगर हम लोग का क्लास किसी दूसरे बिल्डिंग में लगा है और सेम ऐसे लैब में जो 1 घंटे 40 मिनट का लैब होता है, तो 20 मिनट हम लोग को मिलता है थोड़ा फ्रेश होने के लिए और दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो जनरली क्या होता है ना कि जो अदर्स कॉलेज हैं उसमें तो एक सेमेस्टर में 2 ही एग्जाम होते हैं, पर वीआईटी में क्या ऐसा नहीं है, वीआईटी में 3 एग्जाम होते हैं। जनरली अदर कॉलेजेस में क्या होता है कि एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम होता है, एक मिड एग्जाम हो जाता है और एक फाइनल एग्जाम हो जाता है, पर वीआईटी में ऐसा नहीं है। वीआईटी में 3 एग्जाम होते हैं, जो पहला एग्जाम होता है वो कैट 1 होता है, दूसरा कैट 2 होता है और फिर लास्ट में फैट एग्जाम होता है। तो जो कैट 1 होता है वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के लगभग 1 महीने 10 दिन बाद होता है, ऐसे फिर कैट 2 भी 1 महीने 10 दिन बाद होगा और फिर 1 महीने बाद फैट हो जाता है। मेरे हिसाब से तो सबसे जो हार्ड एग्जाम होता है ना इन तीनों में से, वो होता है कैट 2 एग्जाम, क्योंकि कैट 2 एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है और इसमें क्या होता है ना, आप नोटबुक ले जा सकते हो, आप कितनी भी बुक्स ले जा सकते हो एग्जाम हॉल में आंसर लिखने के लिए, पर उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके पास तो 1 घंटे 30 मिनट का ही टाइम होगा और 5 क्वेश्चंस हो गए सॉल्व करने के लिए, पर आपको ना वो कहीं आंसर मिलेंगे और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से कैट 2 सबसे हार्ड एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं वीआईटी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जो जनरली आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने हैं, जो कुछ कॉमन रूल्स हैं जो आपको डेली फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप क्लास के लिए जा रहे हो तो आपको हमेशा आई कार्ड आपको पहन के रखना है। इनकेस अगर आप आई कार्ड नहीं पहन के रखते हो, अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने चेक कर लिया या देख लिया, तो वो आपके ऊपर 500 रुपए फाइन लगा देगा। वो कुछ नहीं करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेगा, उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आगे भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में 500 रुपए का फाइन आ जाएगा और आपको जमा करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है, बहुत से लोगों ने कमेंट में पूछा था कि भाई वहाँ के लड़कियों के साथ घूम सकते हैं। हाँ, तुम कैंपस में लड़कियों के साथ घूम तो सकते हो, पर हाथ पकड़ के आप नहीं घूम सकते हो कैंपस में, क्योंकि जगह जगह पे ना जो रेड टैग गन्ना है, यहाँ पे जो कैंपस डिसिप्लिन सिक्योरिटी गार्ड है उनको रेड टैग गन्ना बोलते हैं ना, वो जगह जगह पर खड़े रहते हैं, जैसे वो देखेंगे आपको हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए दूर से ही सीटी बजाएंगे। ठीक है, इनकेस अगर आप नहीं छोड़ते तो आपके पास आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। आप हॉस्टल्स में कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, पहले रूल्स तो ये फॉलो करना पड़ता है कि आपको जो रूम अलॉट हुआ है आपको उसी रूम में रहना है, आपको किसी दूसरे रूम में नहीं जाना है। पर ऐसा नहीं होता, हम लोग जाते हैं, ठीक है, दिन में तो कोई चेक करने नहीं आता, पर रात के समय में ना जो वार्डन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं ब्लॉक्स में, वो चेक करते रहते हैं कौन अपने रूम में कौन दूसरे के रूम में। ठीक है, तो ये ज्यादातर खासकर ध्यान देना हो। और जो हॉस्टल का एक और रूल है, 9 बजे मेन गेट बंद हो जाता है हॉस्टल का, तो 9 बजे से पहले आपको
हॉस्टल के अंदर जाना ही है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है ना, अटेंडेंस स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे खराब रूल मुझे भी लगता है, क्योंकि 9 बजे बहुत जल्दी होता है और अटेंडेंस के समय आपको अपने रूम में ही रहना है, क्योंकि जब वो वार्डन अटेंडेंस के लिए आएगा आपका रूम खटखटाएगा। अगर आप रूम में नहीं मिलते हो तो फिर वो आपको नीचे ऑफिस में बुलाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, रूम में क्यों नहीं थे। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा है अटेंडेंस के समय अपने रूम में रहो। और अगर आप दोस्त के रूम में जाते भी हो ना, तो कुछ समय के लिए जाओ, कुछ समय के बाद फिर अपने रूम में आ जाओ। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ कि रात में लगभग 12-1 बज रहे थे और हम दोस्तों के रूम में गेम खेल रहे थे, ठीक है, और वार्डन घूमने आ गया और हम लोग थोड़ा आवाज भी कर रहे थे, तो वार्डन ने दरवाजा खटखटाया भाई, हम लोगों ने खोला और वो जो बेडरूम था ना वो 3-bedroom था और उस रूम में हम लोग 7 लोग थे। तो उसने पूछा इस रूम के कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग दूसरे रूम के हैं। तो भाई उन लोगों ने बताया और उसमें से एक वार्डन जो है ना वीडियो कैमरा ऑन करके सबका वीडियो बनाने लगा भाई कौन कौन से इस रूम में है। और एक ने बोला कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, फाइन लगेगा। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, नहीं सर, थोड़ा अच्छे से रिक्वेस्ट किया, तो फाइन तो नहीं लगा। और आप लोग अपने हॉस्टल के रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रख सकते हो, जैसे कि आयरन हो गया, कैटल हो गया और हेयर ड्रायर हो गया, और ऐसे भी कोई और चीजें हैं जो आप रूम में नहीं रख सकते हो। अगर वार्डन ने चेक कर लिया आपका रूम और आप पकड़े गए तो आप पे अच्छा खासा फाइन लगने वाला है फिर। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है रूम में रखने से। अगर आप रखते भी हो तो उसे छुपा के रखना ताकि वार्डन को पता ना चले। और एक हाँ, एक रूल और है, जो आप लोग को कैंपस में केवल साइकिल ही अलाउड है चलाने के लिए। आप ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिल खरीद लो कि मैं कैंपस में रखी मोटरसाइकिल से जाऊंगा, ये अलाउड नहीं है। आप केवल कैंपस में साइकिल ही यूज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ जानकारी आपको मिली होंगी VIT के बारे में। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।